दी हम मक्की की रोटी नहीं क्या बोलते हैं, कुकड़ी रोटी वालो कुकड़ी रोटी। हम लस्सी को लस्सी नहीं क्या बोलते हैं, छा वालो छा। हम बर्फ को बर्फ नहीं क्या बोलते हैं, घी वालो घी। बड़ा पीना बलिए पता लगी जांदा ओ। मोहब्बत गई बाहर में बाबे चले बाहर में। मोहब्बत गई बाहर में बाबे चले बाहर में। मोहब्बत गई बाहर में बाबे चले बाहर में। चलो पहाड़ पे चलो। और गाइज आज का व्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। गाइज विंटर सीजन चल रहा है और विंटर सीजन में जब तक मैं आपको बर्फ ना दिखा दूं और हम भी खुद बर्फ में घूमने ना जाएं तो विंटर सीजन का कैसे पता चलेगा गाइज। तो हम विंटर सीजन में आ चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डोडा में। जो ठंड की बात करूं तो बर्फ़ में मुझे ठंड नहीं होने वाली। तो जब मैं बर्फ़ में पहुंच जाऊंगा तो मैं यहां पे ना इसको रस्सी बांधूंगा। पैंट मैंने थोड़ी सी लॉन्ग पैंट दी है, शूज़ जो है मेरा ऊपर है, तो जो बर्फ़ होगी ना वो मेरे शूज़ में नहीं जाएगी, तो मेरे शूज़ जो है मेरे मतलब पैर हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो फिर जो मेरा हाथ है, हाथ के लिए मैंने ग्लव्स रखे हुए हैं, तो कैप लगाई हुई है, नेक के लिए मैंने मफलर रखा हुआ है, फेस में इसे कवर कर दूंगा। और आज का व्लॉग शुरू करते हैं गाइज, व्लॉग को स्किप नहीं करना और आज मैं आपको बर्फ ही बर्फ दिखाने वाला हूँ। फाइनली गाइज हम निकल चुके हैं और आज की टीम के साथ मैं आपको मिला देता हूँ। ये है हमारे साथ पवन भाई। हेलो पवन भाई, कैसे हो? बस बढ़िया। ठीक है, प्लान तो पूरा है ना, ऐसा ना हो कि वहाँ पे ठंड हो तो हम वहीं पे रह जाएं। नहीं, नहीं। और दूसरे हमारे साथ हैं विशाल व्लॉग्स जी। हाँ जी विशाल भाई, हमारा फुल प्लान है, मतलब कल का प्लान बना के रखा था। देख रहे हो मैंने डबल डबल ग्लव्स लगाए हुए हैं। ये मेरी आज की टीम है, हम निकल रहे हैं अभी यहाँ से और होप करता हूँ कि हमारा जो आज का टूर है, जो हमारी आज की ट्रैकिंग है वो बेस्ट रहे। बैग अपने अपने सबों ने ले लिए हैं। गाइज पहले नंबर व्यू चेक करो आप, फिर वो वाले जो पहाड़ दिख रहे हैं ना गाइज, वो टॉप पे हमने यहाँ पे जाना है और देखो व्यू कुछ इस तरह से है। गाइज अभी हम गाँव में पहुँच चुके हैं और गाँव की ये लास्ट दुकानें हमें अभी दिखने को मिल रही हैं। ये जैसे यहाँ पे दुकान है, वहाँ पे दुकान है, यही हमें दुकानें मिलनी हैं। इसके बाद हम जब यहाँ से निकल जाएंगे ना, यहाँ से ऊपर हमें कोई भी दुकानें वगैरह नहीं दिखनी है। तो अभी क्या है कि हम थोड़ा बहुत सामान खाने के लिए कुछ डाल देंगे। गाइज कुछ इस तरह से व्यू है। फाइनली गाइज हमारा रास्ता बर्फ में शुरू हो चुका है। अब हम यहाँ से जितना ऊपर चढ़ते जाएंगे ना तो उतनी बर्फ पड़ती जाएगी। दोस्तों कैसा लग रहा है? अब यहाँ से ऊपर आपको ऐसी कोई जगह नहीं दिखनी जहाँ पे बर्फ बर्फ नहीं हो। हाँ पवन भाई, सही बात। तो पवन भाई ने सामान देखो हाथ में ले लिया। ओ देखो देखो बर्फ कैसे खा रहा है। तो गाइज अब यहाँ से ऊपर, जब मैंने स्टार्टिंग से वहाँ पे बिल्कुल बर्फ नहीं थी, अभी जैसे ऊपर थोड़ी सी चढ़े तो थोड़ी सी बर्फ। अभी मैं एक जगह यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखो पेड़ पे कितनी ज्यादा बर्फ है। यहाँ पे तो स्लिप भी है, कोरा टाइप लगा हुआ है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हो ना गाइज कितनी कितनी बर्फ है मेरे बैक साइड में। और यहाँ पे पेड़ के ऊपर देखो, ये देखो, ये देखो गाइज अभी हमें इतनी थी। अब यहाँ से ऊपर जितना जितना हम चढ़ते जाएंगे उतनी उतनी बर्फ हमको दोस्तों क्या मिलती जाएगी, मिलती जाएगी। हाँ हम तो अब यहाँ से बर्फ का रास्ता हमारा शुरू हो चुका है। अब हम यहाँ से ना ऊपर हमारी जो बर्फ है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और रास्ता कुछ ऐसे बिल्कुल ऊपरी ऊपर है, अगर यहाँ पे ना स्लिप भी लग सकता गाइज। ये देखो निकलते हैं गाइज ऊपर के लिए, अब हमारी बर्फ बढ़ती जाएगी। दोस्तों इतने दूर इसी व्यू को देखने आया हूँ, शायद आप कैमरे में फील कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन जो गाइज मैं अपनी आंखों से कर रहा हूँ ना गाइज, ओ माय गॉड देख रहे हो ना। ओहो गाइज अभी ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं मनाली में आ चुका हूँ, ऐसे मनाली मनाली वाली फील आ रही है गाइज, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है ना अल्टीमेट है गाइज। कसम खा के गया था, इतना माइंड ब्लोइंग और इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाइज। यहाँ पे बर्फ़ देख सकते हो ना कितनी कितनी है, यहाँ से ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बर्फ़ बढ़ती जाएगी, लेकिन गाइज माइंड ब्लोइंग। ओ मेरा कैमरा मैन गिर गया गाइज, क्योंकि जो ये रास्ता देख रहे हो ना गाइज आप, ये देखो ये रास्ता देख रहे हो ना, ये स्लिपरी है। तो ये ऐसे मतलब ऐसे ऊपर मेरा कैमरा मैन वहाँ पे खड़ा हुआ था तो ये नीचे गिर गया। और उसको देखो, उसको कैमरा मैन उसको फोकस करना, वो क्या कर रहा है, वो पागल पगंती दिखा रहा है गाइज। मगर व्यू देखो, व्यू चेक करो गाइज, क्या अल्टीमेट क्या मस्त व्यू लग रहा है यार गाइज। अभी ना इससे भी बेस्ट वाला व्यू दिखने वाला, और उससे बेटर यहाँ पे देख रहे हो ना हमारे साथ है गिटार, और जब हम जाके ऊपर बजाएंगे ना इसको गाइज मजा ही आ जाएगा, क्या बात है। गाइज लुक एट दिस गाइज, शायद ही मैं अपने वर्ड से बोल पाऊँ या ना बोल पाऊँ, लेकिन गाइज यहाँ का अल्टीमेट अल्टीमेट गाइज बर्फ यार, बर्फ
बर्फ देखो मेरे पीछे गाइज, ये बर्फ है जो आपने कभी नहीं देखी होगी गाइज। मम्मी आपका बेटा मनाली पहुंच गया। दोस्तों हमने यहाँ पे फोटो वगैरह तो ले लिए, लेकिन एक चीज जो मैं सोच रहा था, जिसको मैंने उम्मीद रखी थी कि ऐसा होना चाहिए गाइज, एक चीज आपको मैं दिखाऊं, लाइव बर्फ गिर रही है गाइज, पहाड़ों से लाइव बर्फ। गाइज मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे जाके अगर आपको ऐसा लगे कि लाइव बर्फ भी गिरती हुई दिख जाए तो गाइज हमारा जो सफर है ना ये सक्सेसफुल हो जाएगा। मैं चाहता हूँ अभी रंग गाइज थोड़ी थोड़ी, ये देख रहे हो ना मेरे जैकेट पे बिल्कुल बर्फ पड़ रही है, तो ये वाइट वाइट बर्फ अब लाइव मतलब थोड़ी थोड़ी आ रही है, तो मैं चाहता हूँ और ज़्यादा बर्फ पड़े, और ज़्यादा मतलब लाइव बर्फ दिखे, तो हमारी जो जर्नी है, जो हमारा व्लॉग है, ये सक्सेसफुल हो जाएगा गाइज। तो इतने किस्मत वाले हम होने चाहिए गाइज, ये चीज़ तो होनी चाहिए कि बर्फ लाइव गिरनी चाहिए गाइज। व्यू चेक करो गाइज एक बार, अल्टीमेट गाइज। गाइज अभी हम पहाड़ों में पहुंच चुके हैं और गाइस सोने में सुहागा, समझते हो आप, लाइव बर्फ गिर रही है गाइस, आप भी नजर मार रहे होंगे अगर लाइव बर्फ। और हमारा एक दोस्त गाइस वीडियो कॉल पे, और ये पता क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहे हो आप? कुछ हो रहा है मुझे भाई ऐसा मत बोलो, मतलब इसका कहने का मतलब है कि वीडियो कॉल बंद करो, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है गाइस, ये चेक करो इस बंदे को। मगर आपको कहा था हम, आप आ जाओ, आप आए नहीं, मगर यहाँ पे लाइव बर्फ गिर रही है गाइस, वाह। ओहो व्यू चेक करो गाइस एक बार गाइज, मैंने कभी लाइव में नहीं सोचा था, दोस्तों ने कहा था कि बर्फ में लेके चले, इन्होंने तो जन्नत में ले आए गाइज, लाइव बर्फ गिर रही है गाइज। ओ भाई हम यहाँ से ऊपर कैसे जाएंगे, यहाँ से ऊपर रास्ता ही नहीं है, तो आप ले चलो, मैं हाथ गर्म करके आता हूँ और अपने दूसरे वाले ग्लव्स लगा के आता हूँ, जब वो पहुंचेगा ना तो आप चलो ठीक है ऊपर के लिए। तो गाइज अभी मेरे फ्रेंड वगैरह वहाँ पे ना कैमरे में फोटो वगैरह ले रहे हैं, और ये बर्फ गाइज देख रहे हो, अल्टीमेट वाला व्यू है यहाँ पे, और अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अभी गाइज हम सीधा ना अभी अपनी लोकेशन पे रुकेंगे, और रास्ते के जो आपको अच्छे अच्छे व्यू मेरे को दिखेंगे ना वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ गाइज, और ये मेरे दोस्तों से मिलो गाइज, गाइज इनसे मिलिए, ये मेरा प्यारा भाई, मेरा भाई, और भाई इनको सिर्फ मैंने कहा भाई इतना छोटा सा काम है, भाई ने भाई थैंक यू लव यू ट्रक वर्क के, वाह यार वाह क्या बात है, और देख रहे हैं भाई गाइज क्या सामान, ओह मतलब फुल पार्टी चलने वाली ऊपर है सची में, नहीं आपको कैसे लगता है ऊपर मतलब बर्फ में आग जलेगी वाह 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 क्या बात है गाइज। हम एक बात बोलेंगे जो सारे लोग लाइक करेंगे, ठीक है, मोहब्बत गई बाहर में, बाबे चले बाहर में, मोहब्बत गई बाहर में, बाबे चले बाहर में, मोहब्बत गई बाहर में, बाबे चले बाहर में, चलो बाहर पे चलो। अरों गाइस देखो ऊपर चढ़ रहा हूँ बाबा, लेकिन थक गया हूँ गाइस, ये चेक करो, ये देखो जैकेट, गाइस फाइनली हमें 5 से 6 घंटे सफर करने के बाद हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, जिस लोकेशन को मैं एक्सप्लोर करना चाहता था, मैंने जो चाहा था बिल्कुल सेम उसी तरह से है गाइस, लुक एट दिस, पेड़ ही पेड़ और बर्फ चारों साइड बर्फ। ओ तेरी गिर गया, ओए गिर गया यार, गिर गया, ओ भाई यहाँ पे खड्डा है यार, गिर गया, ओए लगी यार। हाँ गाइज खैर चलता रहता है, मगर हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, और गाइज ये देखो हमारी लोकेशन कुछ इस तरह से है, यहाँ पे हमारी वीडियो वगैरह शूट होगी, और चारों साइड बर्फ ही बर्फ है गाइज, चारों साइड बर्फ ही बर्फ, और बर्फ में मैं, ये देखो गाइज। सो फाइनली गाइज मेरा फ्रेंड आ चुका है, वो कैसे था भाई, गुआंडियो जोर से भाई जोर लगा के, गुआंडियो थोड़ी भैन दा बर्फ देखो किन्नी डिग गई है, पिछली बारी आया सी ना थोड़े घर, उसे आखिया कि बर्फ नहीं खत्म हो गई सी, आ किन्नी लेके आवां, दसो किन्नी लेके आवां। अभी अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, अब हमारी बोन फायर शुरू होने वाली है, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या है ना, ये हमें लकड़ियां सूखी लकड़ियां यही बची हैं गाइस, तो हमें इसको ऐसे पकड़ के ऐसे तोड़ के, तो गाइस ये जितने भी सब तोड़ लूंगा मैं, यूं हाँ जी भाई आप इसको जमा करो, मेरी गारंटी मैं जला के दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। ये गाइस ये देख रहे हो,
वीरे मीट बनाना मीट है तो करने खोली बनता बसाठी लगनी वाह 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 क्या बनाना वीरे वीरे दसी क्या बनाना बसाठी लगनी मोटी मोटी तो मैं ये किठियां कर दा तो तुस बडियां करो हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है। हम कुछ इस तरह की लोकेशन पे थे तो अभी क्या है कि हमने सोचा है कि यहाँ पे हमें लकड़ी वगैरह नहीं दिखेगी तो पवन भाई क्या करना चाहिए भाई पीछे ही चलेंगे अब तो इधर है नहीं लकड़ी पीछे चलें हाँ तो गाइस ये हमारा एक फ्रेंड है तो हम तो यहीं पे लकड़ी है देखो मैंने इतनी सारी लकड़ी जमा कर दी थी लेकिन ये वाला भाई है गाइस इधर इन लकड़ियों से काम चलने वाला नहीं है गाइस इसी बंदे का प्लान था कि एक काम करते हैं हम थोड़ा पीछे चलते हैं तो यहाँ से पीछे गाइज व्यू चेक करो यार एक बार व्यू चेक करो गाइज तो यहाँ से हम पीछे वाली साइड ये वाली जगह ना क्रॉस करके वहाँ पे हमें लकड़ियाँ वगैरह भी मिल जाएंगी तो वहाँ पे हम अपना बॉनफायर आपको दिखाएंगे। आज दिल से मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ सब लोगों के सामने बोलना चाहता हूँ थैंक यू सो मच अगर आप नहीं होते तो मैं ऐसे ऐसे व्यू के पास नहीं होता गाइज आज गाइज अभी मेरे चेक करो मेरे बैक साइड में मेरे फ्रेंड और आपका इसलिए थैंक यू कि आपने सपोर्ट की प्यार दिखाया इसी वजह से मैं आज अगर मेरा YouTube चैनल नहीं होता तो शायद ही ऐसा ऐसा व्यू मैं अपनी जिंदगी में मैं देख पाता कभी नहीं आते भाई इतनी बर्फ तो हमारे घर में गर्मी पड़ती है गाइस हम नहीं आती गाइस सही बात है आपके लिए आए यार सिर्फ आपके लिए आए गाइस सच्ची थैंक यू यार आपका दिल से थैंक यू यार अगर आप लोगों ने प्यार नहीं दिखाया होता तो शायद ही अपनी जिंदगी में मैं ऐसा ऐसा व्यू देख पाता अभी गाइस इससे भी अल्टीमेट व्यू दिखने वाला है। सो गाइस फ्रेंड लोगों ने जगह ढूंढ ली है तो हम कुछ इस तरह की लोकेशन पे आए हुए हैं और यहाँ से ऊपर आप देखोगे ना बिल्कुल पहाड़ी पहाड़ है। अब यहाँ से अगर ऊपर चढ़ना है तो हमें कोई प्लान जगह नहीं मिलने वाली तो प्लान जगह जो है ये लास्ट यही है हमारे पास और ये लोकेशन हमने डिसाइड की है। तो फ्रेंड लोग क्या बोलते हो ठीक है सब ठीक है सबके लिए तो गाइज हम क्या करेंगे वहाँ पे ना एक गोल टाइप का वहाँ से बर्फ निकाल के कैसे बताओगे ये पूरा इस तरह से इतना ड्रम खाली करेंगे हाँ बस इतना सा खाली तो करेंगे एक बंदा इस साइड आ जाओ तो विशाल भाई आप इधर आ जाओ तो जा इधर आ जाओ इसको मैं जाता हूँ आप इधर आ जाओ आप मैं जाता हूँ ना गाइस यार क्या मजा है यार गाइस चेक करो देखो गाइस दोस्त लोग यहाँ पे काम शुरू कर गए हैं बस इतना इतना हम खाली करेंगे तो यहीं पे अपनी बोन फायर शुरू करेंगे हाँ इन्होंने तो निकाल भी दी जमीन यार यहीं पे हम लकड़ी वगैरह लाए हाथ से काम चल रहा है यार ओह माय गॉड भाई अभी मैं आपको क्या बोलता हूँ पहाड़ी हो ना पहाड़ी हमारे जैसा होना चाहिए। विशाल भाई क्या कर रहे हो आप कभी आपने सोचा था ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस करोगे आप नहीं यार मतलब के क्या बोलूं अल्टीमेट यार इतना मजा आ रहा है ना जन्नत में पहुंचे गाइस जन्नत में जन्नत भाई आप ही कर लो कुछ काम निकाल रहे बस मुझे तो वही भाई ही दिख रहा है काम करते हुए। गाइस हमारा चूल्हा रेडी हो चुका है और डिजाइन करने वाले ये दो बंदे बस रहने दो हम साइड पे बैठेंगे भी हाँ थोड़ा सा कर दो चूल्हा कुछ इस तरह से बना है भाई बस करो वो लकड़ी है भाई लोग अगर आप सारे तोड़ोगे ना FIR दर्ज हो सकती है आपको सही बात है उधर से वो लेके आओ भाई फाइनली गाइस हमारा चूल्हा रेडी हो गया है और भाई जाओ वहाँ से वहाँ पे लाइटर पड़ा होगा लाइटर ले आओ वहाँ पे जेब में होगा। तो गाइस ये एक ऐसी चीज़ है हम इसको आग थोड़ी सी टच करेंगे तो ये हमारी काफ़ी मदद करेगा और ये ऐसी वाली लोकेशन पे हमें मिला है ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको आग बहुत जल्दी लगती है ये हमारी लकड़ी है और ये हमारा चूल्हा। गाइस हमारी आग देख रहे हो आप किस तरह किस जगह वाली जग रही है गाइस ये हमारी आग शुरू हो चुकी है और गाइस व्यू चेक करो बली थोड़ा थोड़ा पीना बलिए जानदा शराब नुआ तू